Hello guys, welcome to the channel. Question number 2, chapter number 29, SC1, electric field and potential. A charge of the 1 coulomb is placed at the top of your college building and another charge at the top of your house. The separation between them is 2 km. Find the force exerted by the charge on each other and how many times of your weight is this force? Hello guys, welcome again. I'm a mentor Anurag. So, baat kar rahe question number 2, chapter number 29 se. तो इस क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन लाइक ऐसा है कि आपके पास एक बिल्डिंग यहाँ है, ठीक है, जिसको आपको ये कॉलेज बिल्डिंग बोल रहे हैं और यहाँ पर एक हाउस बिल्डिंग है. दोनों के ऊपर चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 कूलम. ओके, Q1 Q2 है, ये Q1 बोल देता हूँ, इसको Q2 बोल देता हूँ. और इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना और डिस्टेंस दिया हुआ है 2000 मीटर, विच इज इक्वल टू 2 किलोमीटर. ओके, तो फोर्स निकालने का जस्ट सिंपल फॉर्मूला चार्जेस के बीच में, लाइक एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्केल. ये लॉ ड्राइव होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर, ठीक है. तो ये हो गया 9 × 10^9, इसकी वैल्यू होती है Q1 1 1, डिस्टेंस कितना 2 × 10^3 का स्केल. इसको नोट करते हैं, दैट विल बी 9 × 10^9, 4 × 10^6, 2 का स्केल 4, 10^3 का स्केल दैट विल बी 6. 9, 10^9, 4, 10^ दैट विल बी, अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ दैट विल बी 10^-6. ओके, 9 कितना हो गया, दैट विल बी ओके 2 carry 1, 2, 2.25, 10^-3, ये मेरे पास क्या आ गई, फोर्स बिटवीन द चार्जेस. तो एक पार्ट तो हो गया द फोर्स एग्जर्टेड बाय द चार्जेस ऑन ईच अदर, ठीक है, डायरेक्शन की बात ही नहीं हो रही. तो जस्ट क्या है, आपको मैग्नीट्यूड बताना है किसका, इन दोनों के बीच का फोर्स कितना है. ओके, उसके बाद कहता है हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज दिस फोर्स, ठीक है. तो एक वेट लेना है, सपोज एक पर्सन है जिसका वेट कितना है 50 kg, मेरा रूम तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है. तो 50 वाला एवरेज लेते हैं, 50 kg. ओके, 50 kg का जो फोर्स होगा, ये तो मास है ना, तो वेट फोर्स कितना होगा, दैट विल बी mg, व्हिच इज इक्वल टू 50 × 10, दैट विल बी 500 न्यूटन. ये भी एक फोर्स है, इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन, ठीक है. ऑब्वियस बात है, बहुत ज्यादा दिख रहा है, ये कम है, तो देख लेते हैं कितना कम है कितना ज्यादा, दैट विल बी. तो रेशियो निकाल लेते हैं, 2.25 10^3 डिवाइडेड बाय 500, कट 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 कितना रहेगा, दैट विल बी 1, दैट विल बी 22.5 डिवाइडेड बाय 5, इट इज इक्वल टू अप्रोक्स ये हो जाएगा 4, और दैट विल बी 2, 5, 4.5. सो 4.5 टाइम्स ज़्यादा है कौन, इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा है किससे, 4.5 टाइम्स ऑफ किससे, 50 kg पर्सन के वेट से ज़्यादा, ठीक है. यहाँ पर आप ये वेरी कर सकते हैं, 60 लोगे तो अलग आएगा, 40 लोगे तो अलग आएगा, ठीक है. ये कह रहा है कि आपका खुद का योर, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा, ये आंसर वेरी करेगा, लेकिन दोनों के बीच का जो चार्जेस के बीच का फोर्स क्या रहेगा, इतना रहेगा, ठीक है. आप 60 kg लोगे, फोर्स क्या आएगा, 600 न्यूटन. आप किससे डिवाइड करोगे, 600 से. ओके, एंड ठीक है. तो दैट इज द क्वेश्चन, फंडा क्या था, आपको कूलम्स लॉ सिखाना चाह रहा है ये, ठीक है. होप क्वेश्चन क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, जस्ट रिटेन कूलम्स लॉ फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, होप. एंड वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क. थैंक यू.